हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे इफ यू चेंज नथिंग नथिंग विल चेंज कुछ ना करने से बेटर है कुछ न कुछ करना आज जो लोग कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो वही कल हमसे पूछेंगे कि आप कैसे कर रहे हो आज के ब्लॉग की, की शुरुआत में शाम के चार बजे से कर रही हूँ आज ज़्यादा कुछ मुझे बनाना नहीं है डिनर में क्योंकि आज हमारे सोसाइटी में गणेश चतुर्थी का महाभोग है और जो महाप्रसाद हम कहते हैं तो वहीं पे हो जाना है तो घर पे जितने भी काम हैं शाम के वो मैं निपटा लूँगी उससे पहले थोड़ा ये मैं घी बना ले रही हूँ घर पे ही ना मैं घी बनाती हूँ और मलाई अभी पंद्रह बीस दिन का इकट्ठा हो चुका है काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो उसी को मैं पहले बना लेती हूँ फिर बाकी काम किचन के निपटाऊंगी अच्छा अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब्सक्राइब कीजिए खूब लाइक कीजिए और कमेंट करके मेरे को बताइए आपको कैसा लगता है घी के लिए ना मैंने मलाई में पहले दो चम्मच दही डाल दिया था और कम से कम दस से पंद्रह मिनट मैंने छोड़ दिया था और उसमें फिर पानी ठंडा पानी बर्फ वाला पानी डाल के अच्छे से उसको जब घूटते हैं ना तो इस तरह से देखिए कितने बढ़िया से इसका मक्खन निकल आया है ये वाइट मक्खन पराठों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है तो घर पे और थोड़ा सा ऑलरेडी रखा हुआ है इसलिए मैं सारा का सारा अभी बस घी में यूज करूंगी तो ये जो मक्खन है एक मैंने कढ़ाई तो उसके लिए रख दी है घी बनने के लिए और जो पानी बच जाता है ना इस पानी से भी आप चाहे तो दही भी जमा सकते हैं और चाहे तो पनीर भी बना सकते हैं तो मैं आज यहाँ से यहाँ पनीर बना ले रही हूँ उस पानी का बेस्ट पार्ट यही होता है जब दूध से ना कोई भी दूध का पार्ट कभी भी वेस्ट नहीं जाता है आप जितना ही उसमें से घी निकाल लें मक्खन निकाल लें पनीर बना लें उसके बाद भी जो उसका पानी बच जाता है वो वे प्रोटीन ही होता है इवन वो भी बहुत हेल्दी होता है तो जब तक यहाँ पे घी और मेरा पनीर बन रहा है तब तक मैं ना बर्तन अपने सारे जमा लेती हूँ ये दिन के धुले हुए बर्तन हैं और हो गए हैं दो से तीन घंटे हो गए हैं इनका पानी अच्छे से सूख गया है तो ये टाइम बेस्ट होता है चाय पीने के बाद चार पाँच बजे के आसपास मुझे ना ये सारे किचन के जितने भी निपटाने वाले काम होते हैं ये अच्छा खासा टाइम मुझे मिल जाता है यहाँ वो बचा हुआ जो पानी है उसमें भी उबाला आ गया है तो मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ विनेगर डाल रही हूँ नींबू के रस से भी ये पनीर अच्छा बन जाता है और ये देखिए एकदम से पानी अलग और पनीर निकल आया है तो मैंने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी नहीं तो पनीर बहुत टाइट हो जाएगा बस एक उबाला तक पकाने के बाद ही मैंने इसको छान दिया ये पनीर जो है वो करीबन सौ डेढ़ सौ ग्राम मेरा निकल गया है और वो जो बचा हुआ पानी है उससे मैं या तो आटा लगा लूँगी या फिर मैं कई बार पौधों में भी डाल देती हूँ पौधे बहुत हेल्दी होते हैं एक तरह का नेचुरल मेन्योर का, का काम करता है ये आज इन पौधों को भी मैं जो मेरे इंडोर जितने भी एक्वा प्लांट्स हैं ना उनको मैं थोड़ा उनका पानी चेंज करूंगी और थोड़ा उनको भी मैं क्लीन करूंगी वैसे तो ना ये जितने भी पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं इनको मैं हर डेढ़ हफ्ते दस दिन में इनका पानी जरूर बदलती रहती हूँ लेकिन महीने दो महीने में एक बार पूरा निकाल के अंदर से जड़े और प्लांट्स को भी ना अच्छे से धो देती हूँ एक तो प्लांट्स भी हेल्दी हो जाते हैं और कई बार इनकी जड़ें ना बहुत लंबी हो जाती हैं अंदर ही अंदर पानी में कभी कभार सड़ने भी लगती हैं तो बेस्ट है कि महीने दो महीने में एक बार निकाल के उनकी जड़ों को क्लीन कर लिया जाए प्लांट्स को अच्छे से वॉश कर दिया जाए एक फ्रेशनेस आ जाती है इस तरह के प्लांट्स को ना मैं हमेशा छोटे मुंह वाले बॉटल में ही रखती हूँ क्योंकि ये पानी वाले प्लांट्स जो होते हैं गर्मियों में अक्सर इनमें वो मच्छरों के ब्रीडिंग के चांसेस हो सकते हैं तो अगर आप छोटे मुंह वाले बॉटल या वास यूज़ करेंगे ना तो उसमें मच्छर घुसते भी नहीं हैं और बिलीव मी आपको कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी जैसे कई बार कहते हैं ना ठहरे हुए पानी में डेंगू वाले मच्छर पैदा होते हैं तो उससे बचने के लिए या तो बिल्कुल ही छोटे मुंह वाला वास यूज़ करें या फिर प्लांट्स की जो डंडियाँ है ना जितने आप पत्ते जो हैं वो ज़्यादा डालें ज़्यादा डंडिया डालें जिससे कि अगेन उसका जो मुंह है वो पूरी तरह से ढक जाए ये इंडोर प्लांट्स घर को जितना ज़्यादा सजाते हैं जितना संवारते हैं उतना ही उनका केयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है होम डेकोर मुझे रियल प्लांट्स और इंडोर प्लांट्स के बिना ना बिल्कुल ही इनकम्प्लीट लगता है तो ये सबसे बेस्ट और रियलिस्टिक और बहुत ही किफ़ायती यू नो होम डेकोर मुझे लगता है कि बस थोड़ी सी जगह पे किसी भी कॉर्नर में आपने एक रियल प्लांट रख देने से वो एरिया पूरा लाइव हो जाता है जिस दिन घर में घी बनाते हैं ना देसी घी की खुशबू पूरे घर में बिल्कुल इतनी अच्छे से महकने लगती है तो यहाँ मेरा घी ठंडा हो चुका है उसे मैं थोड़ा छान के रख ले रही हूँ घर की पहचान कही जाती है कि किचन से ही होती है क्योंकि किचन सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि एक इमोशन से जुड़ा होता है स्पेशली हम यू you नो know, इंडियन घरों के लिए क्योंकि हम तीनों टाइम का खाना या दो टाइम का खाना तो वहाँ पे फ्रेश बना के खाते ही हैं और सिर्फ खाना ही नहीं खाते हैं बल्कि यू नो एक फैमिली गैदरिंग्स या ये कह लीजिए आप कि लोगों के साथ कनेक्शन अपने फैमिली मेम्बर के साथ कनेक्शन जो है वो यहीं से हमारा शुरू होता है ये सिर्फ घर का ही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता बल्कि ये ना घर वालों को भी बांधने का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जहाँ से हमारे इमोशन सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं तो इस जगह को क्लीन रखना हाइजीनिक रखना ये यू नो होम मेकर्स का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और सबसे ज़्यादा कंज्यूमिंग काम भी होता है पूरे दिन में हम इसी जगह को कैसे ऑर्गेनाइज रखें क्लीन रखें उसमें हमारा पूरा दिन निकल जाता है सारे काम खत्म होने के बाद मैं तैयार होने चली गई थी आ, मंदिर जाऊंगी थोड़ा गणपति जी के सामने मथा टेकूंगी और ये है मेरा आज का टायर ये शायद मैं आपके साथ पहले भी एक बार शेयर कर चुकी हूँ लेकिन मैं तो रिपीट पहन ही लेती हूँ कपड़ों को स्पेशली जो पार्टी वेयर्स होते हैं और ये ना मुझे बहुत प्यारा लगता है आजकल ये सूट मुझे बहुत प्यारा लग रहा है इसमें ये जो मिरर वर्क है ये पूरा हैंड वर्क है मुझे बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ मैं अपने सोसाइटी के ना पंडाल में आ गई हूँ जहाँ गणपति जी की स्थापना हुई है का क्लिप है बच्चे स्कूल जा चुके हैं आजकल बच्चों के हाफिली हैं सुबह का सारा रूटीन खत्म करने के बाद अभी मैं मैं आई हूं हूं पे लंच लंच की तैयारी करने के लिए तो तो आज मैं लंच में पनीर बनाने वाली हूं, तो सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करूं ये मिक्स दाल मैंने सुबह ही टमाटर हल्दी नमक के साथ बॉईल तो कर दिया था बाद में तड़का डालूंगी सब्जी बनाने से पहले या किचन का कुछ भी काम शुरू करने से पहले ना स्पेशली लंच या डिनर पहले आटा लगा लेती हूँ मैं तो ये इससे क्या होता है आटे को यू नो डो को थोड़ा टाइम मिल जाता है रेस्टिंग टाइम मिल जाता है और रोटियाँ बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनती हैं तो यहाँ मेरा आटा लग चुका है तो उसे मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ और अब मैं पनीर की तैयारी करूँगी पनीर बनाने के लिए ना यहाँ पे मैंने पनीर को पहले ही थोड़ा क्यूब्स में ऐसे काट लिया है और काली मिर्च और नमक के साथ ना मैरिनेट कर दिया है दस पंद्रह मिनट इसको छोड़ेंगे ऐसे ही और ग्रेवी के लिए यहाँ मैंने पुदीना लिया है हरी मिर्च लहसन के कुछ कलियाँ और काजू लिया है ये पनीर की रेसिपी भी ऐसी है जो आप बहुत जल्दी कभी आपके पास अचानक से कोई आ जाए या आपको शॉर्ट नोटिस में कुछ बनाना हो गैस के लिए आप जरूर बना सकते हैं एक तो इसमें प्याज टमाटर पड़ नहीं रहा तो आपको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता है और ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये इतना बढ़िया ग्रेवी बनाता है और टेस्ट और देखने में ना ये बिल्कुल शाही पनीर जैसा ही लगता है तो यहाँ मैंने तेल ले लिया है सबसे पहले तेल को गर्म करने के बाद ना मैं इन पनीर को फ्राई कर लूँगी और पनीर टूटे ना इसलिए मैं थोड़े थोड़े पनीर को यू you नो know, दो तीन शिफ्ट में ही इनको फ्राई करूंगी पनीर को इस तरह से जब हम फ्राई कर लेते हैं ना तो उससे उसका फ्लेवर एंड उसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है और हमें ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है इसको बाद में तो इस तरह से मैं दोनों साइड से थोड़ा गोल्डन ब्राउन करके पनीर को पलट पलट के हम पका लेंगे दूसरी तरफ जो मैंने मिक्सी में अपने इंग्रेडिएंट्स लिए थे उनको मैं मिक्सी में चला ले रही हूँ और अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा और चाहिए हो तो आप मिला के यू नो पानी थोड़ा सा उसे पतला सा पेस्ट बनाना है बेसिकली हमें सारे पनीर को फ्राई कर लेने के बाद ना उसी तेल में अगर बचा हुआ तेल आपका इनफ है तो उसी तेल में जीरे का तड़का लेकर ये जो हमने पेस्ट बनाया उसको मैंने डाल दिया इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे जो जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हल्का सा पक जाए हार्डली पाँच से सात मिनट पकाना है और मैं उसके बाद ले रही हूँ थोड़ा सा दही दही एक तो यू नो उसमें खटास भी ले आएगी ग्रेवी में प्लस जल्दी से पक भी जाता है और थोड़ी सी ग्रेवी को बढ़ा भी देता है तो अच्छा जी मैं यहाँ पे ना चार जनों के हिसाब से और एक टाइम के हिसाब से ही खाना बना रही हूँ तो ये जो पनीर के मैंने जितना भी इंग्रेडिएंट लिया है उसी अंदाजे से लिया है अगर आपके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं चीज़ों को अब जब मेरा वो ग्रेवी जो है थोड़ी सी पक गई है तो मैं इसमें सूखे मसाले मिला रही हूँ जिसमें मैं लाल मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला और नमक डाल रही हूँ हल्दी मैंने नहीं डाला है क्योंकि वो कलर को बिल्कुल ही चेंज कर देगा और इन मसालों के साथ ना इनको मैं अच्छे से फिर से पका लूँगी जब थोड़ा सा ग्रेवी तेल छोड़ने लगे तो उसमें मैंने पनीर जो फ्राई किया है वो मिलाया और ये दही जो हमने फेंट के रखा हुआ है र को कम से कम दो मिनट के लिए और मैं पका लूँगी जिससे कि पूरे मसाले अंदर अच्छे से चले जाए और एक साइड में मैं अभी दाल का तड़का तैयार कर रही हूँ जिसके लिए मैंने दो चम्मच घी ले लिया है और सिर्फ ज़ीरा और प्याज का ही तड़का मैं इसमें दूँगी क्योंकि टमाटर तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ और ना थोड़ी सी लाल मिर्च के साथ दाल का तड़का एकदम तैयार हो जाएगा बस अब मेरी सारा काम खत्म हो चुका है किचन का यहाँ मेरा लंच भी पूरा बन चुका है दाल रेडी है पनीर की सब्जी भी रेडी है और बस अब गरम गरम रोटियां जब बच्चे स्कूल से आएंगे तब मैं डालूंगी चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यही फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में आप सबको मेरी तरफ से गणपति की बहुत सारी शुभकामनाएं बप्पा सबके घर में बहुत सारी खुशियां लेकर आए यही उनसे अरदास है चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में तब तक के लिए गुड बाय